1980s करना है क्या? चलो एवरीवन, विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट 1980s। कुछ डाउट है क्या अभी तक की? इसमें हमने क्या देखा? इवेंट्स देखा ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद के पीरियड का देखा। मोस्टली हम लोग 1960s से देख रहे हैं। 60s में कुछ इवेंट हुआ, 70s में कुछ इवेंट हुआ, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? 80s। तो 80s में कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, काइंडली पे अटेंशन। ड्यूरिंग दिस डिकेड, डिकेड का मतलब मैंने बताया था, डिकेड या डिकेड का मतलब क्या है? 10 years। पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है, पीरियड ऑफ 10 years को डिकेड बोलते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस मेनी चैलेंजेस। द सिख्स इन द पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। तो पंजाबी लोग ने क्या किया? खालिस्तान का डिमांड किया। जैसे मुस्लिम लोगों ने किसका डिमांड किया था? पाकिस्तान का। वैसे सिख लोगों ने किसका डिमांड किया? खालिस्तान का। खालिस्तान हम लोग बना रखे दे सकते थे क्या? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी टू गिव इंडिपेंडेंट स्टेट एज खालिस्तान, ठीक है। सो सिख्स डिमांडेड एन इंडिपेंडेंस स्टेट, दैट इज खालिस्तान, एंड बिगेन अ मूवमेंट विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। धीरे धीरे ये मूवमेंट क्या होने लगा? वायलेंट होने लगा और डिस्ट्रक्टिव होने लगा, मतलब लड़ाई होने लगा, झगड़ा होने लगा किसके बीच में? सिख लोगों के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। लेंट मतलब गिव, लेंट मतलब गिव। तो पाकिस्तान ने सिख लोगों को मदद किया क्योंकि तो वो चाहते थे ना इंडिया का डिवीजन होते जाए करके, है ना, वो लोग जैसे अलग हो गए वैसे वो चाहते थे कि सिख लोग भी अलग हो जाए। द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इन टू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, द होली श्राइन ऑफ द सिख्स इन 1984। श्राइन मतलब टेम्पल, श्राइन मतलब टेम्पल। तो इस टेम्पल के अंदर आर्मियों को जाने बोला। क्यों जाने बोला? तो वहां पे सिख लोगों का एक्टिविटीज, थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज चल रहा था, वो लोग वेपन्स वगैरह कैरी कर रहे थे, एक तरीके का टेररिस्ट एक्टिविटीज वो लोग कर रहे थे। कौन लोग? सिख लोग। तो उनसे खतरा था लोगों को, ठीक है। इतना ही नहीं तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हार्म भी किया, मतलब जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उनको हार्म भी किया। देखो जरा, टू एविक द टेररिस्ट हु हैड एलिजेंटली टेकन शेल्टर देयर। ओके, तो ये कौन लोग थे? जो लोग चाहते थे कि खालिस्तान क्रिएट हो, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और शेल्टर, शेल्टर मतलब छुपने के लिए कहाँ जाके बैठे हैं लोग? गोल्डन टेम्पल। अब उस टाइम पे गोल्डन टेम्पल भले मंदिर था लेकिन फिर भी ऑर्डर दिया गया, ठीक है, कि इस टेम्पल में क्या किया जाए? अटैक किया जाए और सभी टेररिस्टों को मार दिया जाए, ऑर्डर दिया गया। और क्या वो ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ? हुआ। देखो, तो एविक द टेररिस्ट, एविक मतलब रिमूव, एविक मतलब रिमूव। तो एविक द टेररिस्ट हु हैड एलिजेंटली टेकन शेल्टर देयर, वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स इन इंदिरा गांधीज पर्सनल सिक्योरिटी असासिनेटेड हर। अब ये ऑर्डर किसने दिया था कि मंदिर में जाओ और मार गिराओ? तो क्या इंदिरा गांधी जी ने दिया था, है कि नहीं? उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जाओ, सोल्जर्स को आर्मी को ऑर्डर दिया, जाओ कुछ भी करो मुझे नहीं पता, सबके सबको क्या करो? मार गिराओ। तो आर्मी भी टैंकर विंकर लेकर सब घुस गए मंदिर के अंदर और बहुत फायरिंग वगैरह हुआ, मंदिर को बहुत डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन सभी टेररिस्टों को मार दिया गया। तो सिख लोगों को गुस्सा आया, हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारे मंदिर के ऊपर हमला किया गया, दे गॉट एंग्री, उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया? इंदिरा गांधी को असासिन किया, ठीक है। अब कैसे किया? जो सिख सिक्योरिटी थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड में सिख लोग ज्यादा थे, तो उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था वो भी सिख था, तो उसने गोली मार के हत्या कर दी। किसकी? इंदिरा गांधी। बॉडीगार्ड मतलब वो सुरक्षा करना चाहिए था लेकिन बदले के इसमें उसने ही इंदिरा गांधी जी का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, दैट इज
उल्फा, क्या बोलते हैं उसको, उल्फा कैरिड ऑन मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एक तरफ पंजाब का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ आसाम का प्रॉब्लम, ये सब चैलेंजेस थे माय स्टूडेंट्स। और ये चैलेंजेस कभी थे, 80s के पीरियड में थे, अभी थे 80s। आगे बढ़ू, अब ऑब्वियसली इंदिरा गांधी जी का क्या हो गया, असैसिनेशन हो गया, उनका डेथ हो गया, उनका पोस्ट कोई तो संभालेगा कि नहीं संभालेगा, संभालेगा तो कौन आए उस जगह पे, आए राजीव गांधी। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव गांधी वाइट स्टूडेंट, असैसिनेशन का मीनिंग समझ रहे हैं यहाँ पे, होता तो किलिंग ही है, मर्डर ही होता है, लेकिन जब कभी भी किसी बड़े व्यक्ति का हत्या होता है तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असैसिनेशन। जैसे गांधी जी वाज असैसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे, बराबर। सो राजीव गांधी जी बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने अपने देश के आर्थिक जो गतिविधियां है उसको चेंजेस आने का कोशिश किया, ठीक है। देखो, ही ट्राइड टू मेक several reforms in the field of Indian economy, reforms changes, reforms of the changes. तो Indian economy में और science and technology दोनों में उन्होंने क्या लाने का कोशिश किया, बदलाव लाने का कोशिश किया, ठीक है। He took the lead in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. तुमको उस time में एक scenario बताता हूँ कि जो Tamilians है ना, तो Tamilians से कुछ लोग ना श्रीलंका में, ठीक है, तो श्रीलंका में थे, तमिलियंस थे, लेकिन सिनलीज मतलब जो श्रीलंकन थे वो चाहते थे कि वो तमिलियंस वहां से चले जाए, क्योंकि वो किसका है, श्रीलंका का रीजन। बट एक्चुअली पहले इससे कौन वहां पर रहते थे, तमिलियंस रहते थे वहां पर। तो तमिलियंस और सिनलीज के बीच में बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा, ठीक है। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहे थे बहुत लंबे समय से। राजीव गांधी के टाइम पे उन्होंने कोशिश किया कि हम लोग इंटरफेयर करेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना, रिजॉल्व करेंगे मतलब, है ना। लेकिन तमिलियंस को क्या गलत लगा पता नहीं इसमें, तमिलियंस उस टाइम पे जो ग्रुप था एलटीटीई नाम था उसका, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स क्लब, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स क्लब, ये एक टेररिस्ट ग्रुप था गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन तमिलियंस के हिसाब से वो क्या था, एक उनका एक अपना सिक्योरिटी फोर्स था ऐसा बोल सकते, ठीक है। अब उसमें उन्होंने क्या किया, प्लान किया राजीव गांधी का असोसिएशन, किसका, राजीव गांधी का, कौन थे राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर। क्या ये असोसिएशन सक्सेसफुल हुआ, हुआ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लिक्विड बॉम्ब का यूज किया गया और राजीव गांधी का असोसिएशन किया गया। एक लेडी थी वो उनको गार्लैंडिंग करने जैसा ऐसा लेकर जा रही थी, माला पहनाया, पैर पड़ने के लिए ऐसे नीचे झुकी, उसके बॉडी में पूरा He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long range cannons from a foreign company called Bofors. Unke upar aarop lagaya gaya. Kya aarop lagaya, ki inhone paiso ke isme kuch to ghapla kiya karte. Kaun se deal mein kiya, long range rifle jo lene ka tha, ha usme, aur is contract ka naam kya tha, Bofors. इसको बोफर्स कैंप भी बोलते हैं। एट प्रेजेंट इसको ये कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। पॉलिटिकल करप्शन बिकेम अ क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शंस दैट आर फॉलोड एंड द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी क्या हो गया, हार गया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब कौन से पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। Several parties formed a coalition and called the Janata Dal and the Vishwanath Pratap Singh became the Prime Minister of India. So
इनको हराने के लिए क्या बनाया गया, गठबंधन सरकार बनाया गया, कोलिशन गवर्नमेंट। ये लोग सरकार बनाते थे तो ये अकेला पार्टी का बनाते थे, लेकिन इनको हराने के लिए जब बाकी सब साथ में आए तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिशन। क्या बोलते हैं, कोलिशन। तो कोलिशन का मीनिंग लिखो, कमिंग टुगेदर। अलायंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलायंस। पार्टी कौन सा बना था उस टाइम पे, जनता दल। क्या बना था, जनता दल। और उस टाइम पे फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसीज इज कंसीडर्ड टू बी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। He could not continue as a prime minister due to internal differences in the party. जब बहुत सारे लोगों को लेकर कोई पार्टी बनता है तो उतना ही differences भी ज्यादा arise होता है, बराबर। देखिए अब जो चीज मुझे पसंद रहेगा जरूरी है क्या वो चीज विधान को पसंद रहे, जरूरी है क्या वो चीज ऋषिकेश को पसंद रहे, जरूरी नहीं, बराबर। लेकिन सबका अपना अपना खुद का पसंद होता है। यहाँ पे भी there were differences in the opinion of the prime minister and the party. पार्टी और लोगों के बीच में मतभेद थे, डिफरेंसेस थे, तो उनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। इसको विश्वनाथ प्रताप सिंह को। इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम लोग 80s से कहां पे पहुंच गए, 90s के पास। हिज गवर्नमेंट वाज आल्सो अ शॉर्ट लिव्ड, इनका भी गवर्नमेंट काफी छोटे समय के लिए था, जल्दी से डिसॉल्व हो गया। In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation of Tamil Tigers Ilam, LTD, assassinated Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was acquitted from the Bofors case by court in 2004. 2004 में declare हुआ कि Bofors एक झूठा आरोप था, इसमें कुछ भी नहीं था, राजीव गांधी को फंसाया गया। Okay. Towards the end of the decade, again decade was a period of 10 years. Towards the end of the decade, 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. This problem grew seriously day by day, and today it has taken the form of terrorism. The terrorist activities there force the Kashmiri Pandits to leave the valley. Ab pehle se, my dear students, Kashmir jo tha na, wo ek Hindu dominated region tha, kyunki wahan pe jo raja bhi the wo the Raja Hari Singh. ओके, वो भी पंडित थे। ओके, सभी पंडितों को ये जब कश्मीर से मतलब जब इंडिया से अलग हुआ कश्मीर को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। बहुत सारे पाकिस्तानी थे वो कश्मीर में घुसे, उन्होंने पंडितों की हत्या की, मार रहे, बोले कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो मार डाले, मार डाले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स, स्क्रीन इज विजिबल टू यू ना, ऑनलाइन पीपल? यस यस सर। सर यहाँ तक पढ़ के ना, 90s पढ़ के ना, ऑनलाइन पीपल गो थ्रू द 90s, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो।
बोलो सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मतलब पावर, ऑटोनॉमी मतलब पावर, ओके, अथॉरिटी. सर बोफोर्स मतलब क्या पूछ रहे हो? बोफोर्स मतलब बोफोर्स एक एग्रीमेंट था, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था विद रेस्पेक्ट टू वेपन, वेपन जो हथियार रहता है लॉन्ग रेंज राइफल, उसको लेकर उस एग्रीमेंट को नाम किया था बोफोर्स. बोफर्स क्यों लिया रहेगा? बोफर्स वो कंपनी का नाम इसके साथ एग्रीमेंट. चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते, ठीक है, क्लियर है सब? कुछ डाउट है तो पूछो. इवेंट्स याद रखना है कब कब क्या हुआ था, ठीक है, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो मैं बात करता हूं. चेंजेस आफ्टर 1990. कैनन मींस तो हां, तो बेसिकली यहां पे इसको कैसे बताओ, अच्छा तोफ मालूम है तुमको? तोफ यस सर. Yes, वैसे और लॉन्ग रेंज कैनल्स किसे बताओ? अगर कोई मिलिट्री का पिक्चर देखा रहेगा तो उसमें क्या होता है, अभी कैसे वो वाला तोप को नहीं बोल रहे यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर ही इंस्टॉल्ड होते, ठीक है, वो गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं, उसको कैरी किया जाता है. पहले कैसे होता था, इसको ऐसा व्हील था ना, उसको डक करके लेके जाते थे, ये वैसा नहीं रहता, ठीक है. एक काम करता हूँ, हाँ लगभग वैसा बोल सकते हैं, दिखा देता हूँ. Visible? Yes, sir. Yes, sir. इससे कैसा है ना कि दूर तक निशाना साधा जा सकता था ना, इसीलिए उसको लॉन्ग रेंज कैनन्स बोलते हैं. ओके सर. वैसे ये देख, चल विल प्रोसीड फर्दर. ओके, 91 की बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स. 1991 हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके पहले आता है 1990 में हमारा देश का हालत बहुत खराब था. वी वर इकोनॉमिकली बैंकरप्ट माय डियर स्टूडेंट्स. देश के पास देश को चलाने के लिए पैसा ही नहीं, इतना हालत खराब. ऐसे में उस टाइम पे के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था श्री पी वी नरसिम्हा राव. क्या नाम था? श्री पी वी नरसिम्हा राव. और उस टाइम पे इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह. कौन थे?
ये लोग एक आइडिया के साथ आए, क्या आइडिया, कि हम लोग हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चेंज करते, हम लोग यूज करेंगे एलपीजी। क्या यूज करेंगे एलपीजी का मतलब, ऑनलाइन एलपीजी मतलब ऑनलाइन पीपल, एलपीजी मीन्स am I audible online? Yes sir. Liquefied petroleum gas wrong full form है LPG का. Yes. LPG का full form यहाँ पे mean करता है liberalization, privatization and globalization. ठीक है, ये हमने introduce किया और इसके बाद में क्या हुआ कि हमने foreign countries को हमारे देश में आकर business करने को allow किया. Liberalization, liberal का मतलब क्या होता है, freedom, independence. तो हमने उनको थोड़ा फ्रीडम दिया कि आओ हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करो, समझ रहे क्या? तो ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट करने का था, बहुत सारा फॉरेन मनी हमारे कंट्री में आने लगा जिसके वजह से हमारा इकोनॉमी सुधरने लगा। फिर 91 की बात कर रहे हैं भाई, इसमें यहाँ पे 91 ऐसा फेज था जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में दो कंट्रीज पावरफुल कंट्रीज करके इमर्ज हुए, एक था अमेरिका दूसरा था रशिया, और दोनों के बीच में कौन सुपर पावर है इसका झगड़ा, कौन सुपर पावर है। अब दोनों को लगता है कि दोनों सुपर पावर है ना, अमेरिका को लगता है कि वो सुपर पावर है, रशिया को लगता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन डिसाइड क्या होगा, कैसे होगा, है ना? तो जो जितने ज्यादा रीजन्स को अपने अंडर ये करेगा, कैप्चर करेगा, तो वो हो जाएगा सुपर पावर, करेक्ट? तो ये लोग क्या करने लगे, दूसरे दूसरे कंट्रीज को रीजन्स को अपने अंडर लेने लगे, ठीक है? लेकिन इसके बीच में बहुत टेंस सिचुएशन क्रिएट हो गया, किसके और किसके बीच में, अमेरिका और रशिया के बीच, और इस टेंस सिचुएशन को नाम दिया गया कोल्ड वॉर। क्या नाम दिया गया, कोल्ड वॉर। तुम लोग यूएस में पढ़ोगे मेरे ख्याल से, पढ़ा है क्या? ओके। लेकिन फिर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार रशिया ने बोला ठीक है नहीं चाहिए कुछ, हम लोग सब छोड़ देते हैं, जिसको जिसका जो है वो उसका रहने दो करके, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब सेपरेशन या डिविजन। चलो ध्यान दो, changes after 1991. The 1991 is held to be very important in the history of the world as well as for India. The Soviet Russia disintegrated into several small countries and Cold War came to an end. Unke withdraw karne ke baad Cold War kya ho gaya? In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in Indian economy. मैंने बताया ना हमारे देश का आर्थिक परिस्थिति क्या हो गया था, बहुत खराब हो गया था, और उसको सुधारने का काम किसने किया, पीवी नरसिम्हा राव। During this period, Ram Janmabhoomi and Babri Masjid issue at Ayodhya came to the forefront. अब देखो एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, इससे ये हमको समझ में आता है कि लाइफ में समस्याएं आती रहेगी, है ना, और सबको अलग अलग लेवल का समस्या रहेगा। किसी को खाना नहीं मिलता समस्या, किसी को बहुत ज्यादा खाना मिलता है ये भी समस्या, बराबर है कि नहीं? तो कुछ लोग खाना नहीं चाहिए करके भी तो रोते हैं ना, है ना? कितने तो लोग हैं जो खाना चाहिए करके रोते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो दोनों भी प्रॉब्लम्स है। वैसे ही यहाँ पे हमारे कंट्री में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। इकोनॉमी का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व नहीं हुआ तो राम जन्मभूमि का प्रॉब्लम अराइज हो गया। राम जन्मभूमि का प्रॉब्लम मालूम है ना क्या है करके, अयोध्या जो है वो ओरिजिनली माना जाता है कि वो राम जी का बर्थ प्लेस है करके, लेकिन जब बाबर आए थे वहां पे, बाबर कौन, मुगल शासक, मुगल एम्परर है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर को गिरा दिया, मंदिर को गिरा दिया, और वहां पे क्या बनाया, मस्जिद, जिसको क्या नाम दिया गया, बाबरी मस्जिद, क्योंकि किसने बनाया, वो बाबर ने, उसको बाबरी मस्जिद नाम दिया, ठीक है? तो ये इश्यू शुरू हो गया। फिर से हिंदूज क्या करने लगे, बोले कि नहीं ये क्या है, ये क्या है, राम जी का बर्थ प्लेस है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, राम जी का ही मंदिर बनना चाहिए। तो इंटेंस वॉर हो गया,
और वो इतना ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि हिंदू लोगों ने मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और तोड़ दी। क्या मुस्लिम लोग चुप बैठेंगे? दंगा होगा ना, राइट्स होगा ना, झगड़ा होगा ना, और वही शुरू हो गया। हिंदू और मुस्लिम के बीच में राइट शुरू हो गया, दंगा शुरू हो गया। कौन जीता मत पूछो, ये ऐसे इसमें कोई नहीं जीतता, क्योंकि लोग यहाँ से भी मरते और लोग वहां से भी मरते। चल आगे बढ़ते। अभी तो पता है ना, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सैंक्शन हो गया, वहां पर राम मंदिर बन रहा है ना। चल, इन द इलेक्शंस कंडक्टेड बिटवीन 1996 एंड 1999, नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। दिस रिजल्टेड इन थ्री गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देखो, गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? मेजोरिटी चाहिए रहता है। कितना परसेंट मेजोरिटी चाहिए रहता है? 50% एंड अबव चाहिए रहता है। कितना चाहिए? 50% एंड अबव। 91 से 96 से लेकर 99 तक कोई भी सिंगल मेजोरिटी बन नहीं रहा था, तो क्या किया? अलायंस, गठबंधन। ठीक है, तीन चार पार्टी लोग साथ में आएंगे और वो लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट बना, और किस उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और उसके बाद कौन थे? एच डी देवी गौड़ा, और उसके बाद कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। अमोंगेस्ट देम फाइनली 1999 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए केम टू पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। बहुत डामाडोल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ऊपर नीचे। तीन तीन प्राइम मिनिस्टर 96 से 99 के बीच में कितने साल के लिए रहे, नगर सेवक रहे, एमएलए रहे, सीएम रहे, या फिर मिनिस्टर रहे, पीएम रहे, प्रेसिडेंट रहे, टर्म कितना है अपने कंट्री में? 5 साल। कितने साल के लिए रहते हैं? 5 साल। तो अटल बिहारी वाजपेयी जीत कर आए, बराबर है कि नहीं? और वो बने प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल। डायलॉग मतलब क्या? कॉन्वर्सेशन। डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करने का सोचा। किस मुद्दे पे? कश्मीर के मुद्दे पे, है ना। लेकिन वो लोग इंटरेस्टेड थे क्या पाकिस्तान? नहीं। उसके बाद में इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। 1999 देयर वाज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल। कितने बार भी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, कभी भी जीते नहीं, हारे और बहुत बुरी तरह से हारे। भले उन्होंने ईमानदारी से तो कभी वॉर नहीं किया, सब चुपके चुपके वॉर किए। ठीक है, बिना बताए बिना कुछ ये करके चुपके से वॉर करने आते थे, लेकिन हमने उनको हर बार क्या किया? हराया, उनको मार भगाया। ठीक है, चलो यहां तक पढ़ के लो सब लोग। फर्स्ट चैप्टर का आर्टवर्क लिखा है? नहीं लिखा है? लिखा सर, लिखा सर, लिखा सर। जैसे लिखा, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिखा उनको लिखना है। फिलहाल अभी पढ़ के सर, सेकंड लेसन का भी लिखना है? हाँ हाँ लिखना है, बताऊंगा अभी।
ये बाकी जो ऑफलाइन आ रहे थे आए क्यों नहीं आज चीजगांव में? रूपाली ओ रूपाली यस सर व्हाई डिड यू कम टुडे? मंदार जस्ट टेल मी द रीजन, मुझे रीजन तो बताओ। सर मुझे कोल्ड और फीवर हो गया इसलिए। ओके मंदार। निधि मस्कर ओ निधि ओके। रूपाली वैष्णवी क्यों नहीं आए? सर हेडेक और टॉसिल्स हुआ है। अच्छा रूपाली जवाब दो। वीडियो भी बंद करके बैठे हो। यस रूपाली रिप्लाई। सर आज टाइमिंग ज्यादा थी। क्या रूपाली? आज टाइमिंग ज्यादा थी। अच्छा ज्यादा देर इसके लिए। चलो अभी जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है नोटबुक निकालो, हार्डवर्ड सीखना शुरू करो। सेकेंड चैप्टर में से 20 hard words, 5-5 times, ठीक है? Online people, सुनाई दिया सबको? Yes sir. चलो start writing. लिखना शुरू करो। Sir, can you repeat? Chapter number 2, hard words you have to write. And those who have not written first chapter, write first chapter's hard word also, ठीक है? First chapter का 25 hard words 5 times और second chapter का 20 hard words 5 times. Okay? Start writing. और इसको जो लोग ऑनलाइन में है उनके लिए असाइनमेंट क्रिएट किया जाएगा, वहां पे अपलोड करोगे, ठीक है? और ऑफलाइन वाले तो यहाँ पे चेक कर लेंगे हम। सर जहाँ तक सिखाया वहां तक ही ना? हाँ जहाँ तक सिखाया वहां तक। सर बोलो। सर मैं अपने अंकल के पास आया हूँ सर। इस वक्त मेरे पास कोई नोटबुक नहीं है, इसलिए सर आप मुझे हार्ड वर्ड्स का पीडीएफ शेयर कर दो ना, मैं मेल कर दूंगा। सर वर्ड का पीडीएफ शेयर करूँ? मैं तेरे को मार्कशीट तेरा शेयर कर देता हूँ ना रे। हाँ तेरे बोर्ड का मैं मार्कशीट शेयर कर, पागल बिगल हो गए तू? हार्ड वर्ड्स का पीडीएफ कैसे शेयर करूंगा मैं? हाँ साहिल सॉरी सर मुझे बता रही था सर मैं ग्रुप में से हार्ड वर्ड्स जो है वो लिखना है तुझे, और बुक नहीं लेकर आया तो भी तो देख ना पेज वगैरह देख, ये तो कोई दीवार वगैरह ढूंढ ले उसके ऊपर लिख दे, उसका फोटो निकाल के बाद में मेरे को भेज दे। देख कोई बुक रहेगा वहां पे, कोई पेज रहेगा, कोई नहीं है तो फिर क्या करने का, फिर बैठे रहने का और क्या करे, ठीक है? सर मैं घर का कल मीटर लेके चले गए ना वो लाइट वाले, इसलिए मैं अंकल के पास आ गया। हाँ बाबा लेकिन तू कोई नोटबुक लेकर आता तो अच्छा होता था ना, तू तो मालूम है तू लेक्चर अटेंड करने के लिए जा रहा है।
सर मैं देखता हूँ है क्या नाम। हाँ देख, अब नहीं भी है तो मैं क्या कर लूंगा तेरा, कुछ भी नहीं करूंगा ना। सही तो पेमेंट मिलेगा ना। हाँ फिर साइन लेना होता तो पेमेंट देना पड़ता है। हाँ बाकी लोग का साइन तू मेरे भी हाथ में ले रहा, मेरा साइन तू मेरे से ले रहा। क्रिएशन का जो मैसेज आया हुआ है ना, क्या बोल रहे हो? अरे बाबा, किसी को कुछ पूछना था क्या?